अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कर रहे थे, उनको एक एरर का सामना करना पड़ रहा है डेमो फाइल में या कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो जनाब ये कोई एरर नहीं है, कोई वायरस नहीं है, ठीक है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। आप सब लोग पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबको अलग अलग जाकर नहीं बता सकती, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, और हाँ प्लीज़ जो मैं वीडियोस देती हूँ उनके स्टेप्स फॉलो कर लिया करें। मैं वही काम आपके सिस्टम को एनी डेस्क से एक्सेस करके करती हूँ और वो काम हो जाता है, और जब आप लोग कर रहे होते हैं तो आप स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे होते तो उसमें इशू आ रहा होता है। तो प्लीज़ स्टेप्स को फॉलो कर लिया करें और मुझे फीडबैक दिया करें कोई और इशू आ रहा हो तो, ईमेल कर दिया करें बेशक स्क्रीन शॉट्स मुझे। तो ये इशू आ रहा है जब आपका डेमो फाइल या कन्फिग्रेशन फाइल में इस तरह का इशू आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डेमो फाइल आपने डाउनलोड की हुई है, सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है आपने, ओपन विथ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही होंगी, अच्छा हो सकता है सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र की ऑप्शन आपके यहाँ ना आ रही हो, ठीक है। सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र आपको जाके फोल्डर से लेना पड़े, तो मैं इसलिए फ़ोल्डर से करी क्योंकि मेरे तो चलो ये ऑप्शन आ रही, मैं क्लिक करूँगी सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, चूज़ अनदर ऐप पे क्लिक करना है। इस तरह का आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, क्योंकि मैं पहले इसे सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र से ओपन कर चुकी हूँ इसलिए सबसे टॉप पर सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र आ रहा है। बट आप लोगों के शायद ना आए तो आपने मोर ऐप्स पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर भी सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र ना आए तो आपने करना है लुक फॉर अनदर ऐप ऑन द पीसी, इस पे क्लिक करना है तो वो आपको फोल्डर्स में ले जाएगा आपके सिस्टम के। तो देखें प्रोग्राम फाइल्स इसने ओपन कर दिया, इसके अंदर आपने फोल्डर ढूंढना है सेफ एग्जाम ब्राउजर का। ये देखें सेफ एग्जाम ब्राउजर का फोल्डर, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन के फोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेफ एग्जाम ब्राउजर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और ओपन कर देना। ये सेफ एग्जाम ब्राउजर के साथ ओपन होना शुरू हो जाएगा। आप पहले उसे नोट पैड के साथ ओपन कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, अब सेफ एग्जाम ब्राउजर के साथ वो इजीली ओपन हो जाएगा। तो देखें सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के साथ ओपन हो गया ये, ठीक है। अभी क्योंकि स्क्रीन आपको नज़र नहीं आएगी, ये सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र वाली स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है ना उसके अंदर बाकी जो भी एप्लीकेशन है वो बैक पे चली जाती है, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र आगे आ जाते हैं और स्क्रीन के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं होता। ये इसीलिए सेफ एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होती सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में। तो खैर ये था टोटल प्रोसेस जो आपको एरर आ रहा है, तो आपने इस तरह से सबसे पहले कोशिश करनी है इस तरह से रिजॉल्व करें उस एरर को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम की अच्छी अच्छी तैयारी करें। कोई इशू हो तो मुझे फीडबैक दे दिया करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।